दोस्तों ओप्पो को लेकर काफी समय से जानकारी सामने आ रही है कि कंपनी जल्द ही फ्लैगशिप और पॉपुलर स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 6 सीरीज को पेश कर सकती है। वहीं अब तक आई रिपोर्ट के अनुसार इस स्मार्टफोन को 22 मई को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन कंपनी ऑफिशियल तौर पे इस फोन के लॉन्च डेट को लेके अभी कोई जानकारी नहीं दी है। इसके अलावा हाल ही में मलेशिया सर्टिफिकेशन साइट SIRIM पर ओप्पो रेनो 6 सीरीज के टॉप मॉडल यानी कि ओप्पो रेनो 6 प्रो की झलक देखने को मिली है, जिसके बाद से उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन को इंडिया और चाइना सहित दुनिया भर के देशों में लॉन्च किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि कंपनी रेनो 6 सीरीज के अंदर ओप्पो रेनो 6 प्रो और ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस को लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा ये भी बता दें कि अब लॉन्च से पहले इस सीरीज के दोनों फोन यानी कि रेनो 6 प्रो और रेनो 6 प्रो प्लस को सर्टिफिकेशन साइट टीना पे स्पॉट किया गया है, जो कि टीना लिस्टिंग में इस फोन के स्पेसिफिकेशन और डिजाइन की जानकारी मिलती है। दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो टीना लिस्टिंग के अनुसार ये दोनों डिवाइस में 6.55 इंच की FHD प्लस का एक OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। इन दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले में 90Hz रिफ्रेश रेट जैसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों डिवाइस पंच होल डिस्प्ले से लैस होगा, जो कि डिस्प्ले के ऊपरी लेफ्ट कॉर्नर पे प्लेस किया गया है। अब बात करें बैटरी और चार्जिंग के बारे में। जैसा कि इन दोनों स्मार्टफोन में 4500mAh की बैटरी दी गई है, और इससे पहले रिपोर्ट में ये बताया गया था कि रेनो 6 सीरीज में 65W की फास्ट चार्जिंग से लैस होगा। साथ ही आपको बता दें कि इस सीरीज के दोनों डिवाइस में 30W की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। वहीं टीना लिस्टिंग से ये पता चलता है कि इस फोन में एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड कलर OS 11.1 पे काम करेगा। दोस्तों अब बात करें इन दोनों स्मार्टफोन में मिलने वाली चिपसेट के बारे में। हालांकि टीना लिस्टिंग में इन दोनों स्मार्टफोन की चिपसेट को लेके फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन काफी सारे लीक के जरिए इस बात की जानकारी सामने आई है कि रेनो 6 सीरीज के अंदर 3 डिवाइस देखने को मिल सकता है। सबसे पहले ओप्पो रेनो 6 की बात करें तो इस फोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 चिपसेट के साथ देखने को मिलेगा, जबकि ओप्पो रेनो 6 प्रो की बात करें तो इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट के साथ देखने को मिल सकता है। वहीं ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस की बात करें तो इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट के साथ लैस होगा, जबकि रैम और स्टोरेज ऑप्शन की बात करें तो ये तीनों स्मार्टफोन 8GB रैम 128GB स्टोरेज 8GB रैम और 256GB स्टोरेज साथ में 12GB रैम और 256GB स्टोरेज ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, जो कि कंपनी इस बार इन तीनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं दी है। अब बात करें कैमरे सेटअप को लेके तो ओप्पो रेनो 6 प्रो के बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। हालांकि इस फोन के कैमरे सेटअप और इस सीरीज के बाकी फोन के कैमरे सेटअप को लेके फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वैसे पिछले सीरीज के मुकाबले इस बार के सीरीज में आपको और भी बेहतर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। दोस्तों ओप्पो रेनो 6 सीरीज के स्पेसिफिकेशन और प्राइस को लेके कंपनी ने फिलहाल ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है, तो ऐसे में हम आने वाले वीडियो में इस टॉपिक को अपडेट करते रहेंगे। वैसे एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो ओप्पो रेनो 6 40,000 की स्टार्टिंग प्राइस में देखने को मिलेगा, जबकि ओप्पो रेनो 6 प्रो की बात करें तो इसे 45 से लेकर 46,000 रुपए की प्राइस रेंज में अवेलेबल किया जाएगा। वहीं ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस की बात करें तो इसकी प्राइस 50,000 रुपए की स्टार्टिंग प्राइस में देखने को मिलेंगे। अब बात करें इस फोन की इंडिया लॉन्च को लेकर तो इस फोन को सबसे पहले 22 मई को चाइना में लॉन्च किया जाएगा, तब जाके इंडिया में इसे जून फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक तक देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप इस फोन को लेकर कितना एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।